डिस्कस मर्डर इन द Cathedral, जो कि एक बहुत ही फेमस प्ले है टी एस एलियट का आज हम इसे अपनी वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे पहले हम एलिट के बारे में जानेंगे फिर उनके प्ले के बारे में और लास्ट में उनकी कुछ टेक्निक्स को देखेंगे कि इन्होंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो जो टी एस एलियट हैं ही वॉज बॉर्न इन एटीन एटी एट ट्वेंटी सिक्स सेप्टेम्बर और ही वॉज डाइड ऑन फोर्थ जनवरी नाइनटीन सिक्सटी फाइव ये एक अमेरिकन थे बाय बर्थ लेकिन इन्होंने जब ये बड़े हो गए तो ये इंग्लैंड चले गए और वहीं पर सेटल हो गए जिसकी वजह से ये एक ब्रिटिश पॉइट बन गए मतलब कि ये बाय बर्थ अमेरिकन थे और बाद में ये ब्रिटिश पॉइट बन गए इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क हैं और कुछ बहुत ही फेमस पोइट्रीज हैं जैसे कि वेस्ट लैंड है और लव सॉन्ग ऑफ प्रूफ्रॉक है मर्डर इन द कैथीड्रल कॉकटेल पार्टी एंड द फैमिली रीयूनियन और बहुत सारे इनके फेमस प्लेज हैं इसकी की वीडियो हम कवर कर रहे हैं मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि 1935 में परफॉर्म हुआ था और उसी सारी से पब्लिश भी कर दिया गया ये जो वर्क है ये जो प्ले है इसमें जो एलियट है इन्होंने बहुत ज्यादा हेविली ड्र्यू मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा इंफ्लुंस होकर वर्क लिखा जो एडविन ग्र थे एडविन ग्रीन की राइटिंग से इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और उसके बाद इन्होंने ये लिखा मर्डर इन द कैथेड्रल मतलब कि कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च जैसे कि गिरजाघर होते हैं उन्हें ही कैथेड्रल बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में तो ये जो नॉव ये जो प्ले है ये हिस्टोरिकल प्ले है हिस्टोरिकल प्ले मतलब कि ये कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है तो इसमें ये बताते हैं कि ये जो प्ले होगा ये जो इन्होंने लिखा है प्ले ये ऑडियंस के लिए है ताकि वो ये जान सके जो हिस्ट्री थी जो हिस्टोरिकल स्टोरी थी थॉमस बेकेट और जो किंग हैं द सेकेंड थे किंग हैंनरी द सेकेंड उस टाइम पे इंग्लैंड में थे उनके राजा थे और जो थॉमस बेकेट थे वो उनके कुछ अंडर काम किया करते थे ये दो और ये जो प्ले है ये इन पर बेस है कि कैसे जो थॉमस बेकेट थे उनका मर्डर कर दिया गया था कैथीड्रल में कैथेड्रल मतलब कि चर्च और एक पवित्र जगह पर उनका मर्डर कर दिया गया था तो ये प्ले उसी के बारे में बताता है और इसी के ये जो इवेंट हुआ था ये जो एक मर्डर हुआ था कैथेड्रल में एडवर्ड द ग्रिन जो हैं एडविड ग्रिन जिसके वर्क से इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवली ड्रू किया है इन्फ्लुएंस होकर ये वर्क लिखा है एडवेंड ग्रिम उस इवेंट के उस मर्डर के आई विटनेस थे तो स्टार्ट करते हैं तो ये जो सेटिंग रखी गई है इस प्ले की सेटिंग यह है इंग्लैंड और ये स्टार्ट होता है प्ले ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर ग्यारह सौ सत्तर में मतलब कि ग्यारह सौ सत्तर की, की सेटिंग रखी गई हुई है और जो ये प्ले है ये ओपन होता है आर्च बिशप के हॉल में आर्च बिशप मतलब कि एक जो बिशप होते हैं उनकी एक पोस्ट होती है ये उनके हॉल में स्टार्ट होता है यहाँ पर जो आर्च बिशप है वो थॉमस बैकेट है अ कोरस मतलब कि कोरस जैसे कि आपको पता होगा ग्रीक टाइम से चला आ रहा है कुछ लोगों का एक समूह होता है वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं जो कि हम फ्यूचर के बारे में बताते हैं अगर कुछ टेंशन चल रही है वो बताते हैं डिलेमा को क्लियर करते हैं तो यहाँ पर हमारे में जो कोरस है उसमें वीमेन है कैंटबरी की जो वीमेन्स हैं वो सारी इकट्ठे हो जाते हैं कैथेड्रल में चर्च में और बताती है कि कोई एक टेरेबल इवेंट होने को है और यहाँ पर एक लॉन्ग स्पीच देती हैं वो कि कैसे जो हम सफर कर रहे हैं उनकी है सफरिंग है और जो आर्च बिशप है थॉमस बेकेट वो उसे इंग्लैंड से निकाल दिया गया था एक्साइल पर उसे देश निकाला कर दिया गया था सात सालों के लिए क्योंकि उसके और जो किंग हैनरी द सेकेंड थे दोनों के बीच में कुछ पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर रिलीजियस चीज़ों को लेकर कुछ क्रैशिश चल रहे थे कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे जिसके बाद थॉमस बैकेट को निकाल दिया गया था सात साल के लिए और अब बताते हैं कि अब इन्हें डर लग रहा है ये जो कोरा से ये बताता है ये डर रहे हैं क्योंकि अब जो वो बैकेट था वो वापस आ रहा है सात सालों बाद वो वापस आ रहा है और उनकी लाइफ है वो और भी डिफिकल्ट होने वाली है कि इनकी लाइफ जो वहाँ के लोग हैं वो थॉमस बैकेट और जो किंग है सबकी लाइफ डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि वो वापिस आ रहा है ये शायद रिकॉन्सलेशन भी हो सकता है और शायद यहाँ से इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाई झगड़े फिर से हो सकते हैं अब तीन प्रीस्ट हैं जो पुजारी हैं तीन वो आते हैं और लैमेंट करते हैं शोक मनाते हैं कि जो ब्रैकेट है उसकी एब्सेंस से उन्हें बहुत दुख है और वो उस चीज का शोक मनाते हैं और उसकी जो रिटर्न है उस पर एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है उसके रिटर्न पर कुछ बोलते हैं ये अच्छा है कुछ नहीं है उसके बाद हेराल्ड एक कैरेक्टर है वो आता है वहाँ पर और बताता है कि जो थॉमस बेकेट है वो इंग्लैंड आ गया है और जल्दी ही कैंटबरी में भी पहुंच जाएगा और जो हेनरी द सेकेंड है उससे शायद कि वो दोबारा से मिल जाए रिकॉन्सिलेशन हो जाए और उसका जो कंसर्न है ये भी है कि शायद वॉयलेंस भी होगा क्या पता वो दोनों आकर दोस्त बन जाए और क्या पता फिर से पुरानी उनकी जो दो लड़ाई झगड़ा था वो फिर से शुरू हो जाए अब और वो ये बोल के चला जाता है जो प्रीस्ट है उस टाइम को याद करते हैं जब थॉमस चांसलर था इंग्लैंड का और सेकुलर एडमिनिस्ट्रेटर का, का काम किया करता था किंग हैं द सेकंड के अंडर और दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे ये उस टाइम को याद करते हैं अब जो कोरस है ये कोरस प्रीस्ट जो है उनको डिस्कस करते हुए सुनता है और अपनी डिसअपॉइंटमेंट देता है कि वो क्यों आ रहा है जिससे कि और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कोरस एडमिट करता है कि ये जो लाइफ है अभी बहुत ही हार्ड है लेकिन थॉमस के रिटर्न से ये ये जो कुछ पॉलिटिकल स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस लड़ाइयां थी कॉन्फ्लिक्ट थी वो फिर से स्टार्ट कर देगी जो उसके रिटर्न थी अब जो सेकंड प्रीस्ट था क्योंकि तीन प्रीस्ट वहां पर आए थे जो सेकंड प्रीस्ट है वो इंसल्ट करता है कोरस की और एक फेक हैप्पीनेस दिखाता है थॉमस को वेलकम करने के लिए अब बात आती है कि थॉमस वापस आ गया है कैंटरबरी में और प्रीस्ट को कहता है कि वो कोरस को जो डांट रहे हैं वो उसकी गलती है और कोरस आने वाली डिफिकल्टी को सेंस कर लेता है कि उन्हें बताता है लेकिन जो थॉमस बैकेट है वो बोलता है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा कभी भी कि गॉड के जो प्लान्स हैं वो क्या हैं क्या पता वो मुझे सेव करना चाहते हैं और क्या पता वो नहीं चाहते हो अब ये तो बात थी प्रीस्ट की और अब क्या होता है थॉमस भी आ गया है कैंटबरी में तो थ्री टैम्पटर आ जाते हैं फोर टैम्पटर तो वन बाय वन वो अपनी अपने कॉम्प्रोमाइज के लिए आइडियाज देते हैं जो पहला होता है वो बोलता है कि अपने यूथ के दिनों को याद करो जब तुम और हैनरी जो सेकेंड है वो दोनों वो दोनों साथ थे और वो एक अच्छे दिन थे जो सेकेंड टेम्प्टर है वो बोलता है फिर से अपने टाइटल पर आ जाओ जो उसका चांसलर का टाइटल था उस पर आ जाओ और पुअर्स की मदद करो क्योंकि अगर तुम एक रिलीजियस फिगर रहोगे तो तुम पुअर की मदद नहीं कर सकते लेकिन अगर, अगर तुम अपने पॉलिटिकल टाइटल पे वापस आ जाते हो तो तुम पुअर्स की गरीबों की मदद कर सकते हो अब बात आती है जो थर्ड टैम्प्टर है उसकी तो बोलता है एक नई गवर्नमेंट बनाई जाए जा, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जहाँ पर एक रूलर भी होता है एक बैरन भी होता है और सब मिलकर काम करते हैं तो ये जो थॉमस है ये उसे एक चांस देगा कि ब्रेक कर दे और नई कोई गवर्नमेंट का जो ग्राउंड है वो बनाए और ये सुनकर जो थॉमस है वो थोड़ा सा हंसने लग जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने कभी सोची होती हैं लेकिन वो इन सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि इन सभी चीज़ों को उसने अपनी लाइफ में पहले ही छोड़ दिया है अब बात आती है जो चौथा अटैम्प्टर है वो क्या बोलेगा वो बोलता है कि सेक्रीफाइस कर दो मतलब कि रिलीजियस पर्पज के लिए जो लोग मर जाते हैं जो सेक्रीफाइस कर देते हैं चर्च के लिए तुम भी वही करो क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है एजिस बाय एजिस जितने भी एजेस आती हैं सबको याद किया जाता है इनके जो एनिमीज है तुम्हारे जो एनिमीज है जो किंग्स हैं उन्हें तो जज किया जाएगा और कुछ दिनों में उन्हें भूल भूल जाया जाएगा लेकिन अगर तुम चर्च के लिए अपने रिलीजियस के लिए सेक्रीफाइस करते हो तो तुम हमेशा ही अमर हो जाओगे लेकिन जो थॉमस बेकेट है वो ये सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है कि अगर फेम के लिए प्राइड के लिए मरना पड़े तो वो एक गलत चीज है और एक लॉन्ग एड्रेस करता है अपने सभी कैरेक्टर्स को थॉमस बेकेट है वो अनाउंस करता है कि उसने इन सभी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है इन वो इन चारों टैम की बात को नहीं मानेगा और बल्कि वो क्या करेगा वो अपने फेट को अपने भाग्य को स्वीकार करेगा और गॉड की जो विल है वो उसमें अपने आप को सबमिट करता है सबमिट टू गॉड्स विल मतलब उनकी विल जो होगी वो वही होकर रहेगा और यहाँ आकर पार्ट वन जो है वो एंड हो जाता है जैसे कि आपको पता है कि इसके दो पार्ट्स हैं और बीच में एक इंटरल्यूड है तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है अब बात आती है इंटरल्यूड की तो इंटरल्यूड होता है जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो बीच में एक इंटरवल होता है उसी तरीके से प्लेज में ड्रामाज में इंटरल्यूड होता है तो इंटरल्यूड होता है जो थॉमस थौ, बेकेट है वो एक लेसन देता है सरमर मतलब कि धर्म उपदेश देता है सभी को ऑडियंस को लोगों को जो उसने पार्ट वन के लास्ट में सीखा है और इसकी जो सेटिंग है ये कहाँ पे है इन द कैथेड्रल, जो क्रिसमस uh, की मॉर्निंग में 1170 में जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी वो टाइम है इस सेटिंग का और सेटिंग है इन द कैथेड्रल चर्च के अंदर ही वो ये सब उपदेश देता है और वो बोलता है इस उपदेश में कि जो क्राइस्ट की मिस्ट्री है क्रिश्चियनिटी की जो मिस्ट्री है उसमें दोनों ही चीज़ है मॉर्निंग मतलब कि शोक और सेलिब्रेशन मतलब और कि जो डेथ हुई थी जीजस क्राइस की हम उससे सेलिब्रेट भी करते हैं और उस चीज़ से हमें शौक भी था सेलिब्रेट करते हैं हम उनके सेक्रीफाइस को और जो मैं सेक्रीफाइस करने जा रहा था वो तो उसका एक स्मॉलर वर्जन है उस मिस्ट्री का एक स्मॉलर वर्जन है तो इसीलिए मैं ये ऐसा कुछ नहीं करूँगा और गॉड को अपने आप को सबमिट कर दूंगा और इसी के साथ ये जो उनका उपदेश था वो बंद हो जाता है वो बताते हैं कि शायद ये उसके बाद वो कभी ना बोल सके कभी ऐसे उपदेश ना दे सके अब स्टार्ट होता है पार्ट टू पार्ट टू का जो फर्स्ट सीन है उसकी सेटिंग रखी गई है आर्च बिशप के हॉल में ट्वेंटी दिसंबर uh, 1170 मतलब कि 1170 में अभी बात हो रही थी क्रिसमस की अब बात अब क्रिसमस के आगे का डे आ गया है ट्वेंटी दिसंबर हो गया है तो जो कोरस है वो बहुत ही डरा हुआ है और वो एक अपशगुन की ओर इशारा करता है जैसे कि इसके बाद कि कुछ गलत होने को है ये जो कुरस है ये इम्पेंडिंग फ्यूचर बताते हैं कि क्या होने वाला है तो वो बहुत डरे हुए हैं और कहते हैं कि शायद कोई अपशगुन होने को है इसके बाद चार नाइट्स मतलब कि जो सिपाही होते हैं वो अंदर आते हैं कैथेड्रल में जो हॉल है वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हम फ्रांस से आए हैं और हमें हैंनरी द सेकेंड ने यहाँ पर अपने काम से भेजा है जो नाइट्स है वो थॉमस बैकेट की इंसल्ट करते हैं उसकी मजाक उड़ाते हैं उसकी डिस को कहते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए कि ये हैंनरी द सेकेंड से, से लॉयल नहीं था और जो उसकी आर्च बिशप की जो पोस्ट थी जो उसकी पोजीशन थी इसने उसका मिसयूज़ किया है लेकिन जो बैकेट है यहाँ पर अपनी सफाई देता है इन सभी चीज़ों को एलिगेशन को डिनाई करता है और कहता है कि वो मरने को तैयार होगा अगर कभी ज़रूरी पड़ेगा लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है अब जो नाइट्स है वो अटैक कर देते हैं और जो प्रीस्ट है वो रोकने की कोशिश करते हैं बीच बचाव करते हैं जो नाइट्स है वो धमकी देने लग जाते हैं प्रीस्ट को कि अगर जो थॉमस पैकेट है अगर वो आज बच के निकल गया तो वो प्रीस्ट को नहीं छोड़ेंगे इसके बाद कोरस की स्पीच होती है जिसमें वो अपनी टेंशन को बता रहे हैं कि उन्हें टेंशन होने लगी है उन्हें सैड है ले, लेमेंट कर रहे हैं उसके बाद जो नाइट्स है वो फिर से आते हैं और जो प्रीस्ट हैं वो इस बार थॉमस से इस चीज की भीख मांगते हैं कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि अगर वो नहीं गया तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा लेकिन जो थॉमस है वो मना कर देता है और जो नाइट्स हैं उससे हॉल से धक्का मार देते हैं क्योंकि ये जो सेटिंग थी ये सेटिंग रखी गई थी आर्च बिशप के हॉल में और जो नाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं उसे हॉल से धक्का मार कर निकाल रहे हैं और कैथेड्रल में फोर्स कर रहे हैं लेके जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ वो नहीं जाना चाहता अब जो प्रीस्ट है वो गेट बंद कर देते हैं बचाने के लिए थॉमस पैकेट को बचाने के लिए गेट बंद कर देते हैं लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो नाइट्स हैं वो गेट तोड़ना शुरू कर देते हैं अब जो पैकेट है वो अक्यूज करता है बुरा भरा बोलता है इनको जो प्रीस्ट है इनको बोलता है कि ये ज़्यादा सोच रहे हैं और गॉड की विल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इन सब के बाद जो प्रीस्ट है तीनों प्रीस्ट वो गेट को खोल देते हैं नाइट्स जो हैं जो तीन चार सिपाही हैं वो अंदर आते हैं और थॉमस को कहते हैं कि इसने इंग्लिश रूलर्स मतलब कि जो किंग्स थे उनके बारे में जो जो बोला है अपने वर्ड्स को वापस ले, लेकिन जो थॉमस है वो मना कर देता है और जो नाइट्स है वो उसका मर्डर कर देते हैं जब वो मर्डर कर रहे होते हैं तब कोरस की एक लॉन्ग और सैड स्पीच है जिसमें वो लेमेंट कर रहे हैं शोक मना रहे हैं कि अब उन्हें थॉमस की शेडो में ही जीना पड़ेगा उसके शोक में जीना पड़ेगा अब उसका मर्डर हो गया कैथीड्रल में अब जो मर्डर murder, मर्डरर्स थे जो ये चार नाइट्स थे फोर नाइट्स वो डायरेक्टली क्योंकि एक प्ले है तो डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस करते हैं उन्हें डायरेक्ट तरीके से बोलते हैं और बताते हैं कि जो उन्होंने ये मर्डर किया है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो खुद भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे पर ये उन्हें एक ऑर्डर दिया गया था उस चीज़ में फर्स्ट जो नाइट है वो कुछ नहीं बोलता सेकेंड नाइट कहता है ये समझाता है कि कैसे ऑडियंस और हिस्ट्री उन्हें हेट करेगी उनके इस काम के लिए लेकिन वो खुद भी इसे नहीं करना चाहते थे बल्कि ये तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे जो इंग्लैंड की भलाई के लिए ज़रूरी था जो थर्ड नाइट है वो बोलता है कि जो ब्रैकेट है जो थॉमस ब्रैकेट था वो गिल्टी था कि उसने इंग्लैंड के लोगों को धोखा दिया है और इसके लिए उसका मर्डर करना एक जस्टली तरीका था सही था अब बात आती है फोर्थ नाइट की वो खुद को जस्टिफाई करता है वो कहता है कि वो जो बैकेट है वो खुद सेक्रीफाइस करना चाह रहा था और इसीलिए फॉर सेक ऑफ प्राइड कि उसे इस चीज़ के बाद प्राइड मिल जाएगा सैक्रीफाइस के नाम पे इसीलिए वो गिल्टी नहीं है उसके सुसाइड क्योंकि वो तो सुसाइड वैसे भी कर लेता तो उसके मर्डर से वो गिल्टी नहीं है और जब ये सारे नाइट्स चले जाते हैं वहाँ से तो प्रीस्ट जो हैं वो शोक मनाते हुए आते हैं और कहते हैं कि जो थॉमस के डेथ है उसके बारे में शोक मनाते हैं और चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड बना है और ये वर्ल्ड क्या बनता जा रहा है और लास्ट में जो फाइनल स्पीच है वो है कोरस की जो एक्सेप्ट करते हैं देयर ड्यूटी एज अ क्रिश्चियंस और फॉर फ्रॉम और ये जो कोरस है वो अपने लिए

ये सारी जो चीजें थी वो लोगों के सामने निकल कर आए उन्हें पता चले इसीलिए ये प्ले लिखे थी, थे, जिन्होंने ये देखी थी। और उनके वर्क से ही हैविली इन्फ्लुएंस होकर एलियट ने अपने इस वर्क को लिखा था आई रियली होप कि आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा एंड इफ यू लाइक हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब चैनल